परेशी, आपकी जो वेब सीरीज है मतलब लोग पसंद कर रहे, तो किसी कलाकृति को जब ऑडियंस पसंद करती है तो एज एन एक्टर आपकी क्या रिएक्शन होती है पहले? अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। सॉरी दैट्स शाहरुख खान रील दैट्स ट्रेंडिंग दीस डेज, आई जस्ट थॉट स्नीक इट इन हियर, बट दैट्स अ सेंटीमेंट। अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मतलब दैट्स व्हाई वी डू इट, राइट? वी वांट पीपल टू कनेक्ट विद व्हाट वी डू, एंड कहीं ना कहीं वी एंड द ब्यूटी ऑफ कंटेंट दीस डेज इज कि आपको ना वो इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि लोग बस सिनेमा में फिल्म देखते हैं एंड देन दे कांट टेल यू कि भाई कैसा लगा। आजकल आपको सब पता चल जाता है, और एंड आई एम रियली हैप्पी इट्स दैट वे। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन एंड यू नो वी कैन जस्ट इंप्रूव ऑन आवरसेल्फ्स लाइक दैट। फिल्म लॉकडाउन में शूट की गई थी, तो कैसा कुछ अनुभव रहा आपका? अनुभव तो इसका बहुत ही गजब रहा, क्योंकि सब कुछ हमने खुद से किया, और पहली दफ़ा था, पहला लॉकडाउन था, और मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ लाइटिंग, कैमरा, फ्रेमिंग, इस सब के बारे में सीखने मिला। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो वो जो एक एंगजाइटी थी ना पैंडेमिक को लेके, जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने लोग का ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इतनी रेस्टलेसनेस ला देती थी। बट एज सून एज वी स्टार्टेड शूटिंग दिस, आवर माइंड्स वर ऑफ दैट, यू नो वी वर नॉट stressed about what's going out in the world, and sometimes it's good to shut off ke you know things are going wrong, but it's very important for you to not get panicked about it and stay cool and you know find a solution. So it really helped me in that experience. To kya kuch seekha aapne pandemic se? Bartan majne seekhe, maine khana banana seekha, chhole bhature, aalu parathe, pehle gol nahi bante the, baad mein gol banne lage, बहुत अच्छा लगा। दही जमाना सीखा मैंने, और हाँ पोछा लगाना भी सीखा, पर वो अलग नहीं, झुक के वाला नहीं होता उनसे, वो डंडे से होता है, तो काफ़ी कुछ सिखाया लॉकडाउन। आपकी बैकग्राउंड वैसे एडवर्टाइजिंग की रही है, और एडवर्टाइजिंग का एक शूटिंग करने का अपना एक ढंग होता है, हालांकि फिल्मों का अलग होता है, तो ये टेक्निकली एज एन एक्टर आपको कितना एडजस्ट करना पड़ा? इवन वेब सीरीज का अपना एक ढंग होता है। जी जी, आई थिंक एज एन एक्टर आपको अडेप्टेबल रहना बहुत जरूरी है, और समझना है कि आप यहाँ पे हो, यू आर हियर टू प्रोवाइड अ सर्विस, एंड दैट सर्विस समबडी एल्स इज पेइंग फॉर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रीफ। जब आप एडवर्टाइजिंग में होते हो तो आप प्रोडक्ट सेल करते हो, और एडवर्टाइजिंग 30 सेकेंड का या 1 मिनट का होता है, तो उसमें आप वो एकदम धीरे इत्मीनान के साथ वाली चीजें नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेलिंग and what's the time given to you. Similarly, web mein aapke paas, you have enough time to show your characters, nuances. Films mein you have enough time. So save it for that. Understand the medium, understand what your director wants, what the client wants, and at the same time, you know, do something that you're proud of. Aapki real pehchan aapko kahan mili, advertising mein ki filmon mein, aur abhi web series mein? Mujhe meri real pehchan to main abhi bhi dhoond raha hoon. क्योंकि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे तो मुझे म्यूजिक बनाना पसंद है, एंड आई एम फाइंडिंग माय सेल्फ इन म्यूजिक एंड एक्टिंग। ओके, आप मतलब कंपोजर है और साथ में एक्टर भी है, तो कभी किसी का म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता है तो कैसे एक दिल में क्या होता है कि अरे नहीं सही नहीं, ये सही है या और अच्छा कर सकता है, ऐसे कुछ लगता है कभी? दिल में गिटार बजती है नहीं, आई थिंक जब आप कोई चीज़ देखते हो, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट एज अ होल, विजुअल, ऑडियो, इमोशनल, तो ये सब जब चीज़ें साथ में होती है ना, और एक अच्छी फिल्म या किसी भी स्टोरी का मेरे हिसाब से बेंचमार्क ये होता है कि व्हेन यू आर कंज्यूम्ड बाय द स्टोरी सो मच, आपका ध्यान ही नहीं गया बैकग्राउंड स्कोर पे, आपका ध्यान ही नहीं गया भाई इसका कलर ग्रेडिंग कैसा हुआ है, इसकी फ्रेमिंग कैसे हुई है, क्या, and you're so connected with the characters, I think that's a good way of telling a story. But just film se aap niklo aur bolo ki haan yaar iska background score acha tha, matlab the story didn't you know take you in that much. I think it's a unison of all these things together. It's a beautiful process. Agar aapke paas ek hi din ek hi samay pe acting ka bhi proposal aaye aur composing ka bhi, ji to kya select karenge aur kyun? देखिए मैं इससे जूझ चुका हूँ ऑलरेडी कि कभी कभी वो
म्यूजिक की असाइनमेंट होती है जो खत्म करनी होती है, बट फिर भी ये है कि जो म्यूजिक है वो बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए. अभी मैं खुद के लिए कंपोज करता हूँ और गाने बनाता हूँ, और वो चीज़ ऐसी है कि आप अकेले बैठ के कर सकते हो, बट फॉर फिल्म मेकिंग यू नीड टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल. आप अकेले सब नहीं कर सकते, यू नीड डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर्स, यू नो, लाइट, साउंड, एवरीथिंग. सो आई ट्राई टू बैलेंस बोथ एंड आई ट्राई टू डू म्यूजिक जब मेरे पास खुद का जो वक्त होता है, रात को घर बैठ के पियानो बजाता हूँ जब मैं, एंड इट काम्स मी डाउन. इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी. जो करोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप में, मतलब लोग नज़दीक आए, दे स्कैटर्ड ऑल्सो, दे सेपरेटेड. तो एज एन एक्टर, मतलब जब आप देखते हैं बाहर समाज में, तो क्या रिएक्शन रहती है आपकी? देखिए, वो टाइम ही वैसा था कि यू हैड नो चॉइस बट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ, योर लव्ड वंस, योर हेल्थ एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू, यू नो. तो हमने कहीं ना कहीं, हम सब ने वो सीखा कोरोना काल से कि ये सब तो लाइफ, पैसा, करियर, ये सब तो चलता है, बट योर फैमिली, योर लव्ड वंस, योर यू नो, योर हेल्थ, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और वो जो लेसन है वो इतना जल्दी जाएगा नहीं हमारे सिस्टम में से. आई थिंक आई हैव बिकम वे क्लोजर टू माई फैमिली देन आई वॉज बिफोर विथ माई फ्रेंड्स. अब मैं वो चीज़ प्रायोरिटाइज करता हूँ. पहले ऐसा था कि किसी का बर्थडे है और आपको कुछ काम भी है तो आप उसको प्रायोरिटी नहीं देते हो, पर अब कोई ऐसा कुछ होता है पर्सनल तो मैं पहले से इन्फॉर्म करके रखता हूँ कि नहीं यार, मुझे 7 बजे के बाद मेरे दोस्त का बर्थडे, मुझे जाना है क्योंकि वो ज़रूरी है मेरे लिए. तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग दैट. फिल्म के जरिए आप और मंजीरी मिले, लेकिन मंजीरी आपको फिल्म में सीनियर है, तो कुछ रैगिंग की आपकी? बहुत रैगिंग करती है. अच्छा, भी करती है. हाँ, कुर्सियों में भी करती है कि ये साइड में बैठूंगी, ये साइड तुम बैठोगे, क्या करूँ मैं बताओ. किस तरह से? She's very sweet. She is like we connected from the first day itself. जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी साथ में, और it was a lot of fun. और जब हम मिले तो लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं. वही सारी हंसी मजाक, वही सब कहानियाँ, all of that. We've seen so much of each other. It's a lot of fun. दूरिया के बाद में आप क्या कर रहे हैं? दूरिया के बाद में अभी 2-3 चीज़ें हैं. एक मैं शो शूट कर रहा हूँ ब्राउन करके, जो अभिनय देव डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें करिश्मा कपूर हैं. एक फिल्म आने वाली है डॉक्टर जी करके, जिसमें आयुष्मान है, एंड इट्स डायरेक्टेड बाय इज ब्यूटीफुल डायरेक्टर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग कॉल्ड अनुभूति कश्यप. और एक और फिल्म है नेटफ्लिक्स की, जो जिसमें दिलजीत दोसांझ है, तो वो आने वाली है. और म्यूजिक में कुछ चल रहा है आपका? म्यूजिक में मेरा अभी एक लास्ट मंथ गाना आया है इश्क करके, प्लीज़ सुनिए. और एक अगले महीने गाना आने वाला है जिसका प्रोडक्शन चल रहा है. Thank you so much and all the best. Thank you so much.